चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ, बॉल को नीचे रख देता हूं मैं। देखें, सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का मैदान है। आमतौर पर इस वेन्यू के ऊपर हमेशा देखा जाता है पिच पे हल्की सी ग्रास होती है, इतिहास गवार है, इसलिए आप देखेंगे इस वेन्यू के ऊपर क्लियर कट डोमिनेशन नहीं है पेसर्स का और स्पिनर्स का। आप देखेंगे आमतौर पर जो एशियन कंडीशंस होती है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस होती है, यहां पर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर पेसर 40 विकेट निकालता है, वहां पे स्पिनर्स 110 120 विकेट निकाल लेते हैं। बट इस वेन्यू पे आप देखेंगे जो पिछले 3 मैचेस यहां पे खेले गए हैं, ठीक है, उनमें क्या हुआ है, 45 विकेट निकाला है फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने 46 विकेट्स निकाला है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर लास्ट मैच हुआ था 19 अक्टूबर को, कुलना वर्सेस चट्टोग्राम का मैच था। ये डोमेस्टिक मैचेस होते हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसे अपने इंडिया के अंदर रणजी ट्रॉफी होती है, वैसे इनके अंदर डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। उसका गेम था, उसमें क्या हुआ था, आप देखो जो टीम पहले बैटिंग करने आती है, मैंने 2 इनिंग्स के स्कोर्स लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स, जो टीम पहले बैटिंग करने आई 242 बनाती है 10 विकेट गवा के, फिर दूसरी टीम जो बैट करने आती है वो 285 बनाती है। वैसे टेस्ट में 4 इनिंग्स होती है, मैं बस आपको पहली और दूसरी इनिंग्स का एग्जांपल दे सकता हूँ कि रन्स कैसे बनता है, एक टेम्पलेट कैसे सेट होता है। फिर इससे पहले यहाँ पे सीरीज हुई थी, मैंने एक मैच तो आपको बता दिया, कुल्ला वर्सेस चट्टोग्राम का मैच था, बट उससे पहले मई महीने के अंदर यहाँ पर 2 मैचेस हुए थे, वेस्ट इंडीज ए वर्सेस बांग्लादेश ए की सीरीज हुई थी। उसमें देखो जो टीम थी ना वेस्ट इंडीज ए की, डोमिनेट करी थी, 445 बना दिए, 10 विकेट गवा के। इसमें तेग नारायण चंद्रपाल, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, तेली कैथेनेस जो अभी स्टार क्रिकेटर बन चुके हैं। तो आप देखें 445 बनाया वेस्ट इंडीज ने, बांग्लादेश 205 पे 10 विकेट गवा देती है। फिर इससे पहले वेस्ट इंडीज 427 बनाती, 7 विकेट गवाती और डिक्लेयर दे देती है। फॉलो ऑन मिलता है सामने वाली टीम को, 264 रन पे सिमट जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे लिहाज से अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है 400 से 500 के बीच में स्कोर बनेगा। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, मैं मानता हूँ उनको होम कंडीशंस का एडवांटेज है, बट वो 300 के आसपास स्कोर बना सकता है। क्योंकि आप देखोगे बांग्लादेश के पास लिटिन दास नहीं है, वो रेस्ट पे, मैं बताऊंगा क्यों रेस्ट पे थोड़ी देर में जब टीम न्यूज सेक्शन दिखाऊंगा। शाकिब अल हसन मौजूद नहीं है, तमीम मौजूद नहीं है, तमीम आमतौर पर टेस्ट मैचेस खेलता है। तो इस वनी पे बांग्लादेश ने आज तक एक ही मैच खेला है टेस्ट के अंदर, अगेन जिम्बाब्वे, और उसमें बहुत बुरी तरह से आ रही थी बांग्लादेश की टीम। न्यूजीलैंड इस वनी पर पहली बार खेलने वाली है, और जो पिछले 3 मैच इस मैदान पे हुए हैं उसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक भी मैच नहीं जीता गया, एक मैच बैटिंग सेकंड करते हुए जीता गया था, और 2 मैच यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। बांग्लादेश का होम ग्राउंड है, और जो लास्ट मैच था उसमें 19 विकेट पेसर ने निकाला और 20 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था। राइट आर्म पेसर 37, लेफ्ट आर्म पेसर का 8 विकेट, और टोटल पेसर्स के 45 विकेट्स है। ऑफ स्पिनर्स 21, लेग स्पिनर्स 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 23 विकेट है, और कुल मिला के स्पिनर्स ने 46 विकेट्स निकाले हैं पिछले 3 गेम्स के अंदर। पेसर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, मैं पिचेस की फोटोज दिखाता हूँ। जब यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल मैचेस हुए थे तो पिच पे इतनी ग्रास रखी गई थी, आप टेस्ट में उम्मीद करिए सेम इतनी ग्रास रखी जानी चाहिए। ये देखो आप ऐसी पिच यहाँ पर दिखती है, लाइव ग्रास होती है आमतौर पर देखा गया है, और डायमेंशन वैसे टेस्ट में मैटर नहीं करते, तो भी मैंने आपको दिखा दिया, देख लेना आप। ये स्टेडियम का व्यू है, ये सबसे खूबसूरत ग्राउंड माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखें इस स्टेडियम को, चारों तरफ हरियाली होती है और बीच में स्टेडियम है, और एक तरफ से ओपन स्टेडियम है, तो सुबह के टाइम पे हवा भी चल सकती है स्टेडियम में, और जो स्विंग बॉलर्स हैं नेचुरल टप्पे वाले उनको हेल्प मिल सकती है। ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा।